एकल विद्यालय अभियान प्रशिक्षण शिविर आंचल नैना देवी में काफी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ये प्रशिक्षण शिविर बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान के समापन के अवसर पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर जहां पर विभिन्न जिलों से आए हुए आचार्य वर्ग ने मंत्र उच्चारण गीतिका प्रस्तुत करके माहौल को भक्तिमय कर दिया, वहीं पर अपने संबोधन में पूर्व विधायक भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि यह एकल विद्यालय अभियान एक महिलाओं को प्रशिक्षित करने का बड़ा अभियान है और इस अभियान के बाद महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में बच्चों में प्राचीन संस्कृति और देशभक्ति के बारे में प्रशिक्षण देंगी ताकि बच्चे अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू रहें और पश्चिमी सभ्यता का उन पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लें और उसके बाद कार्य शुरू करें तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। इस मौके पर गौ माता के महत्व के बारे में भी बताया गया कि गौ माता का दूध मूत्र और गोबर सभी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। इस मौके पर वर्ग प्रमुख दुली चंद आनी कुल्लू निवासी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति को बचाए रखना और बच्चों में आने वाली पीढ़ी में संस्कार पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वहां से जो भी वह प्रशिक्षित प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है निश्चित रूप से बच्चों को प्रशिक्षित करने में अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करेंगी। जबकि पुनीत शर्मा वर्ग अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि ये प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और उन्हें आशा है कि जिस उद्देश्य के लिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था उस उद्देश्य में वह माता रानी की कृपा से पूरी तरह से सफल होंगे। इस शिविर में जिन शिक्षिकाओं ने भाग लिया उनमें इंदु, वृंदा और महेश्वरी शामिल है। आज यहाँ एकल अभियान के अंतर्गत जो आचार्यगण प्रशिक्षण शिविर था उसका समापन यहाँ पर हुआ। एकल अभियान का उद्देश्य समाज में आने वाली पीढ़ी को अपने देश की सभ्यता संस्कृति के आधार पर संस्कारों की जानकारी देना, उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत करना और हमारे जो पुरातन जीवन मूल्य थे उनके आधार पर हमारा जीवन चले, इन सारी बातों से शिक्षित करना इसका एक उद्देश्य है, जिसके लिए हमारे इस नैना देवी खंड में ये 100 के लगभग आचार्यां जो हैं ये इस अभियान में जुटी हैं।